एक संत से, एक धार्मिक बंदा से, उन्हें इस पार्टी नो जन्म दिता। राम राज्य परिषद, असि इस देश दे च राम दा राज लियाना है, ते राम दा राज लियाना तो मुराद धर्म दा राज लियाना है, परमात्मा दा राज लियाना है, ईश्वरी राज लियाना है, सच दा राज लियाना है। गल ते इतनी सी, राम राज दे च की सी? एक निक्की जिहा घटना कह के मैं अगे वधां। राम ने बकायदा नियम बना रखे सन, प्रजा दे चों कोई कोई बंदा अगर ए दोष गलतियां करेगा उन्हों ए सजा दिती जाएगी, पर जे राजा भी करेगा तो राजे नूं ए सजा दिती जाएगी। उन्हें बकायदा एक मर्यादा बना दिती भी ए गलती ए भुल करे तो राजे नूं की सजा है, तो प्रजा नूं की सजा है। तो गजब की गल यह है, इस वास्ते देशवासियों के मन में राम का बहुता प्यार होया कि राम ने आम बंदियां दे कीतियां हुई गलतियां की जिहड़ी सजा नियुक्त की सी ना, उही सजा राजे वास्ते। रंचक मात्र भी फर्क नहीं रखिया भाई, एक भुल अगर एक प्रजा दे चों कोई करदा है तो जिहड़ी सजा उसनों दिती जाएगी उही सजा उसनों दिती जाएगी, अगर राजा करे, अगर हुक्मरान करे, अगर सिंघासन ते बैठा होया करे। इस वास्ते राम राज परिषद, राम राज की भावना साढ़े देश दे उजागर हुई, तो कई मन दे तड़प पैदा हुई भी किसी तरीके नाल राम दा राज होवे। तो घटना की है, राम ने एक मर्यादा बना दिती सी, कोई स्त्री लगातार 3 महीने घर तो बाहर रही है, ते 3 महीनों बाद अगर वो घर दे आउंदी है तो पति की मर्जी है उसनों रखना है या नहीं रखना, पे उन्हें मर्यादा बनाई श्री राम ने। श्री राम ने यह मर्यादा भी बनाई कि राजे की आखी हुई गल अगर बहु पक्षी काबले कबूल ना हुई तो राजे की उस गल रद्द किया जा सकता है, तो बहु गिनती अगर प्रजा कोई गल आखे तो राजे नूं वह गल कबूल भी करनी पएगी, प्रवान भी करनी पएगी, मनना भी पएगा। उसने मर्यादा बना दिती। सीता जब घर दे आई, आप अयोध्या दे राजा बने, सिंघासन ते बैठे, ते प्रजा दी बहुती आवाज ए उठ पई भी सीता राम दे इस महल विच नहीं रहनी चाहीदी, ते 3 महीने रावण कोल रही है। आवाज उठी और ये बहु पक्षी उठी, एक धोबी तो उठी, बहु पक्षी आवाज उठी, ते राम ने आप जो है मर्यादा बनाई सी, बहुत सहमति दे अगर प्रजा कुछ आखेगी तो राजे नूं भी झुकना पएगा, गल मन ली, काबले कबूल कर ली। जे प्रजा इस ढंग नाल चाहती है तो भावें मैं ना चाहता होया भी प्रजा की गल का सन्मान करदा, मैनू प्रवान है। सीता नूं घरों कढ दिता प्रजा दे कहण ते, जे प्रजा नहीं चाहती तो ठीक है, जे संसार नहीं चाहता तो ठीक है, जे बहु गिणती नहीं चाहती तो मैनू इस प्रजा की गल नूं जो है प्रवान कर लगे, हाँ कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त हुक्म दे दिता भी सीता प्रजा नहीं चाहती तो मैं आप ही मर्यादा बनाई है, तो मर्यादा के उत्ते मैं अपनी जान दे सकता। इस वास्ते राम दे नाल एक दोहरा बड़ा मशहूर हो गया, क्योंकि रघुकुल दे पैदा होए सन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो कुछ कह दिता है वह निभाना है, भावे प्राण ही जान, भावे जिंद जाती है तो जाए। तो मर्यादा ते आप बनाई सी, तो होया कि जब बहु पक्षी बहु समति ने आवाज उठाई, आपने सीता नूं घरों कढ दिता। इस ढंग नाल प्रजा की खुशी ले ली, सिंघासन ते बने रहे, प्रजा ने कहा सानू काबले कबूल है, ये राजा जड़ा है काबले कबूल है। पर साडा देश राम राज तो चल के कित्थे पहुंच गया कि एक अदालत, वकत दी एक अदालत अलाहाबाद हाई कोर्ट वकत दे हुक्मरान नूं दोषी साबित कर देंदा है, वह कानून ही बदल के रख देंदा है, वह विधान ही बदल के रख देंदा है, वह विधान दी तरमीम ही करके रख देंदा है। ऐ साडे देश दा ढांचा राम राज तो चल के इत्थे जा पहुंचे, और ये नक्शे मैं थोड़े सामने रखदा पिया जो कुछ है, कित्थे राम राज मर्यादा जो बनाई, और राम
जब सीता नूं घरों कढ़दे ने कहिंदे ने लगातार रोंदे ही रहे कई दिन तक भई सीता ते जुल्म होया मेरे ते भी जुल्म होया पर मैं करां कि मैं मर्यादा बनाई है प्रजा नहीं मनदी हुण जब प्रजा नहीं मनदी ते इहदा मतलब थोड़ी कोई मैं राजा ते विधान बदल देवां अगर चाहते तो राम विधान बदल सकते सन राजे सन ताकत दे सन सैना उन्होंने कोल सिंघासन उन्होंने कोल सब कुछ उन्होंने कोल से ते एक लकीर नाल विधान बदल सकते सन नहीं बदलिया आख्या कोई गल नहीं सीता दुख सहार लेगी मैं दुख झेल लवांगा मैं बनाए हुए विधान नूं नहीं बदलना लेकिन उस विधान की लपेट विच अज दा हुक्मरान जब आ जाए तो खिमा करनी विधान नूं बदल के रख देंदा है विधान नूं बदलना खिमा करनी कोई पाप नहीं ते जब कोई विधान की जो है तरमीम करने की मंग करे ये पाप हो गई ते स्पष्ट गल है थोड़े सामने विधान नूं कितनी दफा बदलिया अगर विधान नूं बदलना उहदे तरमीम करना पाप है तो कम से कम इस तरह का पाप 50-60 दफा ये कर चुके हैं इतना पाप ये कर चुके हैं क्योंकि इतनी दफा तब्दीली लियाई गई है इतनी दफा इस दी तरमीम हुई है इतनी दफा इस दी संशोधन होया है जे संशोधन करना एक पाप है तो ये पाप 50-60 दफा हो चुके हैं पहले भी हो चुके हैं इन्हां 30 सालों में हो चुके हैं 35 सालों में इतना वड्डा पाप जो है हो चुके हैं तो खिमा करने मुख्तसर अर्ज करा राम राज वो राज चल के कित्थे जा पहुंचया तो होया ए राम राज सुपना बन के रह गया गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख जगत नूं एक नारा दिता तुसी रब तो एक मंग मंगो परमात्मा तो एक मंग मंगो ते राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोए राज सता खालिस दे हाथ दे चोवे कोई दुखी ना होवे कोई बेवा ना रोवे कि उहदा सुहाग उजड़ गया कोई मां ना रोवे कि उसके बच्चे मारे गए ने कोई बच्चे ना रोवन कि मैं यतीम हो गया मैनू सता ने यतीम करके जो है रख दिता इस तरह की बर्बादी जो है ना होवे ते कल मैनू रागी सिंह रोंदे हुए मिले ने भाई साहब भाई गोपाल सिंह जी के पिराता जगीर सिंह ते फिर उन्हां दी पत्नी ते इस तरह के होर भी बहुत सारे रागी वह भी शहीद हो गए ने जो सिर्फ अपने घर दे च ही बैठे सन तो खैर ये पन्ने जैसे जैसे उगड़न गए ते तुसी हालात का जायजा लाओगे ते ठीक है पुराने जमाने च अज तो 35 साल पहले ते कृपात्री ने मंग की थी सी भई इत्थे राम राज की स्थापना होनी चाहिए 35 साल पहले ते असी 300 साल तो पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते रहांगे उतने चिर तक जितने चिर तक सिंघासन ते कोई राम नहीं बैठता ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो मंगते रहांगे कि राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोए ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए ए परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश कर कोई खालसा कोई शुद्ध कोई पवित्र ते खालसे की व्याख्या मैं कर दिया जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च है पढ़ो काल सवे जब ऊपर माए लिखे ब्रह्म ज्ञाने कहो कबीर जन भय खालसे प्रेम भगत जय जाने जिसने प्रेमा भक्ति नु जाने जिदा सारिया नाल ही प्रेम है जिदे वास्ते न को बैरी न बेगाना सगल संग हम को बनाई इस तरह दे नाल जो प्रेम नाल भेजे होया हिरदा है दाता ताकत उसनों दे ताकि सारिया नू अपना हक मिले ते किसे नाल कोई बेनसाफी ना होवे आकी रहे ना कोई कोई दुखी ना होवे दुष्टा ने ये भी अर्थां दे अनर्थ किए ने भाई खालसे तेंज पे पढ़ते हैं बाकी रहे ना कोई नहीं सिख ये नहीं पढ़ सकता बाकी रहे ना कोई सिख ते आखदा आकी रहे ना कोई सिख मंगदा है सरबत दा भला ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की एक पंक्ति है सतगुर नू सतगुर सब दा भला मनाएगा तिसदा बुरा क्यों होए ते बड़ी कीमती पंक्ति है गुरु अमरदास जी की सतगुर सब दा भला मनाएगा तिसदा बुरा क्यों होए हरिमंदर साहब सारी दुनिया का भला मंगे सारे देश का भला मंगे ते हरिमंदर साहब का बुरा क्यों होए सतगुर सबना का भला मनाएगा तिसदा बुरा क्यों होए इहदा मतलब है उदों भी कुछ ऐसे सन जो गुरु दुखी सन तदी सतगुरु नूं ऐसा कहना पिया भई असी ते सारिआं दा भला मंगदे आ ते फिर बुरा साढ़े ते टपकदा पिया
ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਣੇ ਮੰਗਣੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਰਾਮ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਲਵਾਂਗਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਣੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਇਮ ਹੀ ਆ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।